हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के नीट JEE फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका 13th लेक्चर चालू है। तो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने देखा कि सर नील बोहर ने किस तरह से अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन कॉन्सेप्ट्स ने उनको उनके मॉडल तक लीड किया था। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं समरी ऑफ सर नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। और उसके बाद में हम देखेंगे व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए सर नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रपोज किया था। तो फ्रेंड्स, ये भी मॉडल कुछ परफेक्ट नहीं पाया गया, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशंस थे वो भी हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसके आगे जो जरूरत पड़ी वो थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, क्योंकि क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर जो भी थियोरीज प्रपोज की थी नील बोहर साहब ने, रुदरफोर्ड सर ने, ये सारी थियोरीज किधर तो फेल हो रही थी। सब में कुछ ना कुछ कमियां थी, क्योंकि ये सारे थियोरीज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के नहीं बनाई गई थी। दे वर वायलेटिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता था कि हम सेम टाइम पे पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों भी एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से नील बोहर सर की थियोरी में भी कुछ लिमिटेशंस थे। तो चलो फ्रेंड्स, एक के बाद एक हम देखते हैं। तो आज के इस ब्यूटीफुल केमिस्ट्री के सफर में फिर से एक बार मैं आपका मेंटर कपिल सर वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, नील बोहर सर की थियोरी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर ने क्या कहा था, एटम हैज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि रदरफोर्ड ने भी कहा था, लेकिन रदरफोर्ड की थियोरी फेल हो रही थी। कहाँ पर, यहाँ पर, कि उन्होंने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा तो अगर एक्सेलरेटेड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी न्यूक्लियस के अराउंड अगर घूमेगी तो वो स्पाइरल पाथ लेके न्यूक्लियस में जाके भिड़ जाएगी। इसका कोई सर रदरफोर्ड के पास जवाब नहीं था। तो सर नील बोहर ने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टडी करके उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी पार्टिकल बिहेवियर है, जो कि एनर्जी जो है वो पैकेट्स में है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कैसे कहते करते हैं, इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। ये ऐसे ही एनर्जी को एमिट नहीं करते। जब ये एनर्जी को एमिट करते हैं तो हायर शेल से, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाते हैं, और जब गेन करते हैं तो उतनी ही एनर्जी गेन करते हैं जितनी उनको लगने वाली है इस ऑर्बिट से अगले ऑर्बिट में जाने के लिए। नहीं तो कोई भी एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करते हैं। ये जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो पैकेट्स में हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कोई भी अरे गहरे नत्थु गहरे ऑर्बिट में घूमते हैं क्या? नहीं, उन्होंने क्वांटाइजेशन कंडीशन दी थी, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π है उसी में वो घूमेंगे, रिवॉल्व करेंगे। और इसके लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगने वाला है वो किधर से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो जैसा कि मैंने अभी भी कहा था कि गेन और लूज एनर्जी कब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जब वो एनर्जी शेल से जंप करेंगे या ग्राउंड स्टेट में आएंगे। और एक ही ऑर्बिट में जब घूमेंगे तो दे विल नाइदर गेन नॉर लूज एनर्जी। इट्स लाइक, इसके लिए हमने एक एनालॉजी भी देखी थी कि जैसे कि मान लो एक फिक्स्ड रेट की शॉप है, जिसमें से अगर आपको ये साड़ी खरीदनी है तो मान लो ये साड़ी है 500 रुपीज की, तो आपको इसे 500 ही देना पड़ेगा। इससे कम दोगे या इससे ज्यादा दोगे, ज्यादा दोगे तो ये एक
सांसारिक उदाहरण है, लेकिन हम फॉर द टाइमिंग कहेंगे कि ये फिक्स्ड रेट ही है, 500 रुपए ही दोगे तो ही आप इस साड़ी को खरीद पाओगे। इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी खिलाना है तो इतनी ही एनर्जी खिलानी पड़ेगी सो दैट इट कैन जंप टू द हायर एनर्जी लेवल। तो फ्रेंड्स, एनर्जी एनर्जी हमने बहुत कह दिया, तो ये एनर्जी के लिए भी सर नील बोर ने फॉर्मूलाज देके रखे थे। तो फ्रेंड्स, एनर्जी किसी भी शेल में, जैसा कि हमने देखा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये मान लो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, इसको हम नाम दे देंगे के, ये है एल। तो के से एल शेल में अगर इसको जंप करना है, और मान लेते हैं एल की एनर्जी, एल शेल की एनर्जी E2 है और E1 K की एनर्जी है, तो इसे एनर्जी E1 से E2 जाने के लिए डेल्टा E जो है कितनी देनी पड़ेगी, E2 - E1। या फिर अगर E2 से E1 इसे जंप करना है तो भी इसे इतनी ही एनर्जी, डेल्टा E जितनी एनर्जी एक तो इसे एमिट करनी पड़ेगी, या डेल्टा ई जितनी एनर्जी इसे एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी वो एक शेल से दूसरे शेल में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एनर्जी कैसे डिटरमाइन की उन्होंने, तो एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अगर डिटरमाइन करना है तो उस एनर्जी के लिए फॉर्मूला है -13.6 × Z² / n² n जो है वो जिस पर्टिकुलर शेल के लिए हम एनर्जी डिटरमाइन कर रहे हैं, अगर के है तो 1 है, एल है तो 2 है, एम है तो 3 है। और ये एनर्जी ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। यहां तक सर नील बोहर पहुंचे। और जब ये एनर्जी इमिट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में, तो इन रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या होगी, इसे भी डिटरमाइन करने के लिए सर ने फॉर्म्यूला प्रपोज किया था, जो कि था उसकी वेवलेंथ अगर डिटरमाइन करनी है तो 1 λ = R(1n²−1n²)² × Z². अभी इधर N2 क्या है, अपर शेल है, N2 इज ग्रेटर देन N1, कोई भी बाहर वाली शेल, जैसे मान लो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे जो बाहर वाले शेल्स जो अंदर वाले शेल्स में आ रहे हैं, तो अंदर वाली शेल्स क्या होगी, वो होगी N1 और बाहर वाली शेल होगी N2। और R जो है फ्रेंड्स, R को कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, R को कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू लिखी है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो था फ्रेंड्स एनर्जी का खेल, कि एनर्जी। और एक चीज ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, इस फर्स्ट शेल के लिए, अभी ये ध्यान में ही रख लीजिए, जब भी हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल में एनर्जी निकालनी है तो वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी, क्योंकि जेड तो इसके लिए क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। तो E2 क्या होगा, -13.6 / 2nd शेल के लिए, तो ये आ जाएगा 4। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी सेकेंड शेल की एनर्जी, तो ये आ जाएगी 3.4। और थर्ड के लिए अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो सिमिलर वे में इसको डिवाइड करेंगे 13.6 को 9 से, तो वो मिलेगी हमको 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स, मान लो E2 से अगर मैं इधर एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ, ये सॉरी फ्रेंड्स, तो कुछ एनर्जी लेवल्स मैं ड्रॉ करता हूं। मान लो ये n = 1 है और n = 2 है, तो सेकेंड एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी लूज करेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू
E2 माइनस E1। तो सेकेंड शेल के लिए एनर्जी कितनी है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इधर डिटरमाइन किया है, सेकेंड शेल के लिए एनर्जी होती है 3.4 और फर्स्ट के लिए होती है माइनस ऑफ माइनस 13.6। तो 13.6 में से 3.4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इतनी एनर्जी इसको रिलीज करनी पड़ेगी, तब जाके ये फर्स्ट शेल में आ पाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद एनर्जी इमिट कर रहा था तो हमें ये कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रम मिला था जो कि हम नेकेड आई से देख पा रहे थे। इसे नाम दिया गया बामर सीरीज, इसे नाम दिया गया बामर सीरीज। तो फ्रेंड्स क्या इतने ही रेडिएशंस जो है वो हाइड्रोजन एक्साइट होने के बाद एमिट कर रहा था? नहीं, ये तो सिर्फ विजिबल रीजन था, हम किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे देख सकते थे कि इतने ही लिमिटेड रेडिएशंस हाइड्रोजन एमिट नहीं कर रहा था। ऐसे भी कुछ रेडिएशंस थे जो अल्ट्रावायलेट में और इंफ्रारेड में भी वो इमिट कर रहा था। तो इनका जब स्टडी किया गया तो ऐसा कुछ चित्र पाया गया कि जब इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड एनर्जी लेवल या थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे हाइयर एनर्जी लेवल्स अप टू इंफिनिटी से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब डी एक्साइट होने के लिए आ रहा है तो जो सीरीज पाई गई उसे उन्होंने कहा लाइमन सीरीज। उसे उन्होंने क्या कहा फ्रेंड्स? लाइमन सीरीज, जो कि मिलती है इंफ्रा अल्ट्रा वायलेट रीजन में, इधर टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है, यानी एन टू जो है वो टू से लेके इनफाइनिटी तक रहेगा और एन वन जो है वो वन ही रहेगा। तो जो सीरीज पाई गई तो वो पाई गई अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कौन से रीजन में फ्रेंड्स? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो इस सीरीज को नाम दिया गया लाइमन सीरीज। और जो सीरीज हमने अभी अभी कलर्ड बैंड्स जो देखे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में वो थी बामर सीरीज। वो कब पाई गई? जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल पे जंप किया था हायर शेल से, किसी भी हायर शेल्स लाइक 3, 4, 5, 6, 7 से जब ये सेकेंड पे आया तो मिली बामर सीरीज, थर्ड पे आया तो मिली पाश्चन सीरीज, फोर्थ पे आया तो मिली ब्रैकेट सीरीज और फिफ्थ पे आया तो आई फुंड सीरीज, जिसके पीछे पी लगाते हैं। इसे पी फुंड नहीं कहते, इसे सिर्फ फुंड ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में थी और बामर जो थी वो विजिबल रीजन में थी, इसलिए इसको हम नेकेड आईज से भी हम देख सक रहे थे। और जो पाश्चन ब्रैकेट फुंड सीरीज है वो इंफ्रारेड रीजन में पाई गई थी। तो फ्रेंड्स ये तो था नील बोहर सर का लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स सर की थियोरी भी जो थी क्या कंप्लीट थी? नहीं, इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो फ्रेंड्स एक माइनूट सी थिंग रह गई इधर बताने की, जैसा हम कहते हैं कि ये इनफाइनिटी से इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब ये एन वन पे आएगा तो भी लाइमन सीरीज मिलेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो शेल है उससे वो सेकेंड शेल पे आएगा तो बामर सीरीज मिलेगी। तो ये जो एटम के लिए इनफाइनाइट होता है वो कितना होता है, ये भी बहुत माइन्यूट होता है फ्रेंड्स। यानी इनफाइनाइट यानी ऐसा नहीं कि यहाँ से जो ग्रह नक्षत्र तारे का डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि एटम बहुत छोटा है। जैसे मान लो ये स्टूल है, ये स्टूल अभी नवजात शिशु को उठाना है, अभी अभी जो नवजात शिशु आया है, नवजात शिशु 1 महीने का, तो ये इसे उठा पाएगा? इसके लिए ये ह्यूज है, नवजात शिशु के लिए इसके लिए ये ह्यूज है इतना ही। लेकिन अगर किसी ग्रोन अप 35 ईयर्स ओल्ड के आदमी को हम ये बताएंगे तो इसके लिए ये बहुत ही माइन्यूट है। इस तरह से एटम बहुत ही छोटा रहने से उसका जो इनफाइनाइट है वो भी बहुत छोटा रहेगा। जैसे इस नवजात शिशु के लिए ये स्टूल जो है वो इनफाइनाइट है, तो एटम की बहुत सी चिन्नू सी रेडियस है तो उसके लिए इनफाइनाइट भी बहुत चिन्नू सा है। तो ऐसे कंफ्यूज ना होइए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन आता है यानी किसी तो दूसरे ग्रह से आता है, नहीं फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता है। तो इस तरह से सर नील बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को प्रपोज किया। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या कमियां थी। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी कमी थी कि सर नील बोहर ने जो अपना मॉडल प्रपोज किया था वो प्रपोज किया था
हाइड्रोजन के लिए, वो प्रपोज किया था किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो दैट मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एटम्स लाइक हाइड्रोजन। जैसे कि मान लो हीलियम है, लिथियम का आयन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास हाइड्रोजन के जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। जैसे लिथियम है, अपने दो इलेक्ट्रॉन देगा जिसके पास तीन इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन के जैसा बन जाएगा, जैसे बेरिलियम का आयन है। तो ये जो मॉडल है, इनका मॉडल जो एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयन्स के लिए, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो भी एलिमेंट्स है उनके लिए ही ये एप्लीकेबल था। इट वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स लाइक हीलियम। और अगर देखेंगे बारीकी से तो ये जो मॉडल था, ये डेब्रॉय और सर हाइजेनबर्ग के अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, जो कि आगे प्रूव हुआ था कि ये करेक्ट है। डेब्रॉय ने जो प्रपोज किया था कि जैसे वेव के लिए पार्टिकल नेचर है, वैसे ही हर मैटर के लिए वेव नेचर भी रहना चाहिए। तो ये हम अगले सेशन में देखने वाले हैं कि ये जो दो हाइजेनबर्ग और डेब्रॉय क्वांटम मैकेनिक्स के जो हीरोज थे, इन्होंने क्या क्या प्रपोज किया था। और एक बड़ी चीज थी कि जब इस लाइन स्पेक्ट्रम के लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही थी, तो ये जो लाइंस है ये एक जगह पे इकट्ठे जमा हो रहे थे। ये जो लाइंस है इनका क्या हो रहा था, स्प्लिटिंग हो रहा था। ये जो लाइन स्प्लिट हो रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये जो लाइन स्प्लिट होते हैं इसे कहा जाता है जीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस ये इकट्ठे होते हैं उसे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से कुछ लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये स्प्लिट हो रहे थे। ये लेफ्ट वाला जो है ये जीमन इफेक्ट का चित्र है, और राइट में बताया गया है स्टार्क इफेक्ट, किस तरह से ये लाइंस स्प्लिट होते हैं। तो इस स्प्लिटिंग को, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, इसके बारे में सर नील बोहर के पास कोई जवाब नहीं था। तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए जरूरत पड़ी जिन चीजों की, उन चीजों से जो मॉडल निकल के आया उसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और जिसके मेन हीरोज है ये तीन, वर्नर हाइजेनबर्ग, डेब्रॉय एंड अरविंद श्रोडिंगर। ये तो आप कह सकते हैं कि ही वॉज द लीडिंग एक्टर, और ये जो दो है ये सपोर्टिंग रोल में है ये आप कह सकते हो। इसका बहुत ही सर अरविंद श्रोडिंगर का एकदम की रोल है इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो एटम के लिए प्रपोज किया था। तो फ्रेंड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम कहते हैं इतनी बार, तो वो एग्जैक्टली है क्या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? ये नहीं, वो मॉडल है जिसमें हम लोग सर हाइजेनबर्ग ने जो प्रपोज किया था, वेलोसिटी यानी मोमेंटम एंड पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम, इस कॉन्सेप्ट को जो थियरी ध्यान में रख के मॉडल, एटॉमिक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, उसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा जाता है। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही कंसीडर करके प्रपोज किया था, सिर्फ पार्टिकल, उसके वेव बिहेवियर को अकाउंट नहीं कर रहा था। वेराज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वेव नेचर को, उसके पार्टिकल के वेव नेचर को कंसीडर करके प्रपोज किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे सर नील बोहर के कुछ पोस्टुलेट्स, और उनके आधार पर उन्होंने कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, और उसके जो भी कुछ ड्रॉबैक्स थे वो हमने देखे। और अब हम अगले लेक्चर में चलेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ, और उसकी शुरुआत होगी सर डेब्रॉय की थियरी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे 14th लेक्चर में। वंस अगेन थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए।